देखिए इसमें टाटा कॉलोनी बन के रेडी है। पहले मैंने इसमें कलर नहीं भरा था इसलिए रेडी मतलब रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए सब अपने अपने ड्यूटी पर जा चुके हैं अभी, और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह की ऑनलाइन पढ़ाई कर चुके हैं ये, और अभी दिन की जो पढ़ाई है वो कर रहे हैं अपना होमवर्क वगैरह। थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, तो ये बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे और कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। और मैं अपना काम कर चुकी हूँ, और कपड़े वगैरह सब मैंने फोल्ड करके अभी रख दिए हैं, क्योंकि कपड़े सूख रहे थे। फिर मैं लेके आई हूँ आधे, तो और आधे अभी सूख रहे हैं। और तो देखिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और तो फिर बाद में शाम हो जाएगी अभी, फिर शाम को चलेंगे और चाय वाय बना के पियेंगे, और फिर शाम का रूटीन दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफी अभी पीने के लिए। तो उसके लिए मैं पहले, तो इसके लिए देखिए इसमें दूध डाल देते हैं पहले। तो ये देखिए मिक्सर जार में हमने दूध डाल दिया है, और अब हम इसको इसमें लगा देते हैं, और इसमें चीनी भी डाल देते हैं। तो चीनी में डाल रही हूँ, और इसके बाद देखिए ये कॉफी डाल देते हैं इसमें। तो कॉफी मैंने थोड़ी कम ही डाली है, और इसके बाद देखिए चॉकलेट सिरप भी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा। तो आप मिक्सर को बंद करते हैं, और उसके बाद में इसको चलाते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा कॉफी बन के एकदम बढ़िया रेडी है। तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए सर्व करने के लिए मैंने गिलास को चॉकलेट सिरप से इस तरीके से कर दिया है डेकोरेट। तो अब इसमें हम डालते हैं ये कॉफी जो हमने तैयार करी है, और इसमें बहुत चाक भी बन चुके हैं। तो देखिए हमारी कोल्ड कॉफी बनकर एकदम बढ़िया रेडी है। तो बहुत ही बढ़िया कोल्ड कॉफी बनी है। तो देखिए एकदम बढ़िया कोल्ड कॉफी बनकर एकदम रेडी है। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब हम इसको एंजॉय करते हैं। तो तुअर दाल बनाने जा रही हूँ मैं आज, और कुकर में इसको बॉईल कर लेते हैं अभी। तो मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। तो ये दाल डालने के बाद मैं बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, एक चम्मच नमक डाल देती हूँ, और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, और लाल मिर्च। तो फिर अपन इसको तड़का लगाएंगे जब डालेंगे, और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ इसमें, और इसमें पानी डाल देते हैं, और अब इसको बॉईल कर लेते हैं। तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ, तो मैं इसको गैस पर रख देती। तो ये मैंने इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए, और अब जीरा राइस बना लेते हैं। तो जीरा राइस, तो देखिए जीरा राइस हमारे इधर बन रहे हैं, और आज मम्मी जी यहाँ पे नहीं है, तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए मुझे पूजा करनी पड़ेगी आज। और वैसे भी वो थे नहीं, तो इसलिए मैं आज पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो वो रहते हैं, तो दोनों टाइम वही करते हैं, क्योंकि फिर वो खुद ही करते हैं, तो फिर पूजा का काम उनका ही है, और सब यहाँ पे एक जगह रहते हैं। तो फिर सुबह मम्मी जी और शैम के पापा भी कर लेते हैं, मतलब वो कर लेते हैं, तो फिर अब सारे कर भी तो नहीं सकते, फिर हम तो कोई फंक्शन वगैरह कुछ होता है तो ही मैं पूजा करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे नहीं है, तो उनकी जगह आज हम पूजा कर लेते हैं। और ये देखिए बच्चे इधर ही हैं, तो आज अभी हम ही है, तो अभी मैं पूजा करती हूँ, और चावल इधर बन चुके हैं, जीरा राइस हमारा रेडी है, तो चलते हैं।
तो अब चलते हैं पूजा के लिए, पूजा करते हैं, शाम की धूप बत्ती कर लेते हैं। मतलब देखो मम्मा पूजा कर रही है, मैंने बोला था ना कि दादी जी चली गई है, इसीलिए मम्मा पूजा कर रही है। आज मम्मा पूजा कर रही है क्योंकि दादी जी चली गई है। देख लेना चाय से, बस देखते रहिए। हेलो गाइस, आज तो ना दादी जी चली गई नानी के, यश की नानी के, और आज दादी जी की जगह मम्मा। गणेश जय, गणेश जय, गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। टन 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 टन, हाँ पूजा कर ली अच्छी तरह से। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश धारी। टन 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 बजाते रहो बस, टन 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 टन। क्या मुझे भी बजाने दोगे आप? नहीं, कभी नहीं बजाने दोगे। मम्मा मम्मा पूजा कर ली, अब देखो मम्मा क्या करती रहती है। चलो आ रही है भैया, क्या कर रहा है भैया? तो देखिए दाल हमारी बॉइल हो चुकी है, तो ये तुअर दाल बना रही हूँ आज मैं। तब मैं ये दाल, ये बटर वाली तुअर दाल बना रही हूँ। तब ये बॉइल हो चुकी है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं अभी तो पहले, फिर और बाद में तड़का भी लगा देंगे। आज हमारे तो देखिए मैंने दाल के लिए ये चढ़ा दिया है, ये वाली कढ़ाई, और इसमें बनाने वाले हैं हम दाल। आज हमारा तो दाल के लिए आज हम बटर वाली दाल बना रहे हैं, तो बटर डाल देते हैं अब इसमें। बटर डाल, वाह यम्मी 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 यम्मी। तो देखिए ये बटर डाल दिया है मैंने, और अब इसको गर्म होने देते हैं। बटर जल्दी पक जाता है तो इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद ही हम डाल देंगे अभी जीरा वगैरह सब। तो देखिए बटर हमारा मेल्ट हो रहा है अभी, और ये जल्दी से ही गर्म हो जाएगा। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो देखिए आप इसमें डाल देते हैं ये लहसुन मिर्ची और प्याज। और फिर ऊपर से और तड़का इसमें लगाएंगे अभी, फिर तो तड़के में ही हम टमाटर डालेंगे आज। तो अभी तो मैं इसको, ये अब मसाला पक चुका है, तो हमें दाल डाल देते हैं इसमें बॉईल करी हुई। तो देखिए दाल बन के रेडी है, और अब इसमें तड़का लगाना बाकी है, तो तड़का मैं लगाऊंगी अभी बाद में। पहले हम बना लेते हैं थोड़ी सी रोटी। साक्षी आई है आज रोटी बनाने के लिए मेरे साथ में, देखिए ये बनवाएगी आज मुझे रोटी, तो इसको बोलते हैं रोटी बनाने के लिए। तो देखिए ये है अचार का तेल, तो मैं अचार का तेल इस पे लगा देती हूँ रोटी पे, तो इससे अच्छी बनेगी, टेस्टी रोटी बनेगी, ऐसी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि इसमें अचार का तेल लगाया है, तो ये वैसे तो बनी गई है, बाहर से टेस्ट तो आ ही गया है, पर इसमें मसाला नहीं डला है बस। तो मेरे पास बचा हुआ था ये अचार का तेल, इसीलिए इसका यूज कर लेते हैं, दिखा लेंगे है ना, और अच्छी भी लगती है ये रोटी की। वैसे
देखिए बच्चे अब खाना खा रहे हैं और अभी उनके पापा आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। यम्मी यम्मी, अच्छा मैं दाल भी खाऊंगा, खाऊंगी दाल। तो देखिए अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं, तो तड़के के लिए उसको ऑन कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सब खाना खा रहे हैं और दाल चावल ये तो मैंने बनाया था और फिर ये बेजर की रोटी भी लेके आए हैं अभी, बेजर की रोटी और ये मिक्स वाली मतलब आलू प्याज की सब्जी ये भी लेके आए, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो देखिए इसमें टाटा ली कॉलोनी बनके रेडी है। पहले मैंने इसमें कलर नहीं भरा था इसलिए रेडी मतलब रेडी। देखिए यहाँ पे ये टाटा कॉलोनी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये मकान बने हुए बस ऐसी, मुझे नहीं लगता घर का है। और यहाँ पे एक फूल हुआ है पहले सी और मैंने भी बनाई ऐसी ड्राइंग। और यहाँ पे ये जो बलून है ऊपर उसके ऊपर टाटा कॉलोनी। वाओ ईशान तो टाटा कॉलोनी बना दिया। मैंने भी बनाई थी टाटा कॉलोनी साक्षी के। तो और क्या बनाई है आपने, ड्राइंग दिखाओ तो जरा। तो ये देखिए ईशान क्या क्या बना लेता है हमारा ड्राइंग में, दिखाइए आपने क्या क्या बनाया। ये क्या है, ये रेगिस्तान में कार चल रही है, रेगिस्तान में कार चल रही है और क्या चल रहा है, और कैक्टस उगे हुए, ये कीड़े मकोड़े कितने बिखेर रखे हैं पता नहीं काट ले इनके किसी को। और यहाँ पे वो बिच्छू, यहाँ पे मकड़ी, यहाँ पे सांप। अरे वाह क्या क्या बना रखा है, और दिखाइए। और ये है जिसमें मैंने अभी कलर नहीं भरा है। अच्छा ये रेडियो को अभी बाद में दिखाएंगे। ओके और ये कल वही मकान, ये मशरूम की दुनिया है, इसमें मशरूम बोल सकते हैं, हाथ जा सकते हैं। और ये कुछ छोटे प्यारे से, ये जो चींटी है इस मकड़ी से डर लग रहा है इसको। और ये बल ये सारे बादल यहाँ पे देख रहे हैं आगे, ये देखिए शाम के तो बादलों ने भी चश्मा लगा रखा है। यहाँ पे बादल जो है वो पीछे देख लिया गलती से तो है ना, वहाँ पे उसको ब्लैक कलर के बादल दिख गए तो उन्हें नफरत है ब्लैक बादलों से। और यहाँ पे वो ये गैरेज भी है, यहाँ पे एक जान गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और ये देख रहा है दोनों की लड़ाई से। और क्या क्या दिखाइए शाम। और आगे ओ, ये क्या बता दिया, चिकन लेग पीस जो कुत्ते खाते हैं। अच्छा डॉगी के लिए ये। ओके और ये बना के ये कुछ डिफरेंट बनाया है ईशान ने, दिखाइए सही से दिखाइए ईशान, हिलाइए मत। देखो पहले तो इसने पूरे पेंसिल लकीटे मार दिए थे पेंसिल से, फिर रेजर को तो पेंसिल बना लिया और पेंसिल को रेजर। कुछ अतरंगी कुछ अविश्वसनीय करता है ईशान, ये देखिए इसकी ड्राइंग। और बस बस और बाकी की ड्राइंग बाद में दिखाएगा ईशान। ये रंग बिरंगे फ्लावर, साक्षी तो कुछ बस कॉपी करती है भैया की, देख देख के नकल करती है, कॉपी करती है और तो कुछ आता है। कुछ कुछ मैंने मेरी मर्जी से भी बनाया, मैं भी दिखाती हूँ। अरे ये झंडा भी तैयार, ये तिरंगा बनाया है। ओके अभी तैयार नहीं है, मैं भी दिखाऊंगी मेरी वाली फोटो तो खींच दो। और ये एक चीज बोलना मैं आपको भूल गया, ये जो अपनी चीज होती है और ये दांत होता है, ये ऊपर दांत लगा हुआ उसके ऊपर ये उसका फेस, और ये जीप, ये भी जीप, ये भी जीप, ये भी जीप, इसके हाथ पर भी जीप। आई एम टोटली कंफ्यूज और देखो सब कुछ कंफ्यूज हो गया, मेरा वीडियो भी कंफ्यूज हो गया। ड्राइंग सिंपल सिंपल, ड्राइंग सिंपल सिंपल, ये क्या ये सिंपल सिंपल, अरे फूल सब कुछ सिंपल, साक्षी की ड्राइंग, अरे घर, ये देखिए घर और ट्री और फ्लावर और ये आइसक्रीम। ओके और क्या क्या था, ये केक, हाँ ये तो दिखा दिया। और ये झंडा,
अच्छा तिरंगा और ये फूल। ओके और ये ट्रक और ये मेरी कॉपी करी है इसने, ये साक्षी ने कॉपी करा है, थोड़ा चेंजिंग कर दी, अलग अलग है इसमें, कुछ अलग चीज है, ये झूला बदल गया, साक्षी ने थोड़ी चेंजिंग कर रही है, ड्राइंग कॉपी तो कर रही है भैया की, एक चीज इसमें अलग है, देखिए झूला बदल गया भैया के कैसा था। हाँ ये देखिए, ये ईशान की ड्राइंग और ये झूला, ये साक्षी की ड्राइंग, ये झूला अलग बन गया, ये जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है वो मैंने बनाया और ये जो हल्का हल्का दिख रहा है, आगे भी कुछ है और लड़की आगे क्या दिखाई है, ये मैंने ही बनाई है, साक्षी ने छोटी सी अपनी छोटी सी गर्ल बनाई है इसमें गार्डन जो भैया ने बनाई है। आज ये है लड़की, अच्छा ये साक्षी है, बचपन में ऐसी दिखती थी, ये लैपटॉप, ये कैसा लैपटॉप है भाई, कलरफुल, हमने तो कभी जिंदगी में देखा नहीं है, बस फिनिश, आ गई ड्राइंग बाद में दिखा, और भी बहुत सारे बना रहे और क्या था, पर वो घूम रही Good night.